हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और उनको डायरेक्शन की, एक्टिंग की, सब्जेक्ट की लगता कोई समझ नहीं है। ये फिल्म के रीमेक राइट्स लेके क्यों उन्होंने फिल्म बनाई भगवान जाने। फिल्म 144 मिनट का बड़ा टॉर्चर है, आप फिल्म को झेल नहीं सकते। कई दर्शक फिल्म में उठकर बीच में चले गए। फिल्म में ना रोमांस है, ना एंटरटेनमेंट है, ना कॉमेडी है, ना गाने हैं, पूरी तरह से एक नीरस फिल्म है। फिल्म और कुछ नहीं, रोहित शेट्टी की एक्सटेंडेड सर्कस पार्ट 2 नजर आएगी। 35 से 40 कैरेक्टर हैं, हर एक के जिम्मे मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट का रोल आया है कि हमारा रोल किधर है। और तो और, जो सलमान के डाई हार्ड फैन है वो भी फिल्म देख के निराश होंगे। तो सलमान भाई ने इस ईद पर भी एक बेहद खराब फिल्म दी है, किसी का भाई किसी की जान। ये फिल्म पहले बनाने वाले थे साजिद नडियाडवाला, उन्होंने बाकायदा इसके रीमेक राइट्स लिए। जो तमिल फिल्म थी वीरम, शुरू की कभी ईद कभी दिवाली, लेकिन सलमान खान और साजिद भाई में हो गए क्रिएटिव डिफरेंस और साजिद भाई इस फिल्म से अलग हो गए और सलमान खान ने फिल्म टेक ओवर कर ली और फिल्म को नया नाम दिया किसी का भाई किसी की जान। एक्टिंग, सलमान खान। 58 साल के सलमान खान पिछले 37 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और 2009 से लेके कंटिन्यूस ईद पे उन्होंने हिट फिल्में दी थी, लेकिन पिछले 6 सालों में उनकी लगातार फ्लॉप फिल्में आई हैं, चाहे वो भारत हो, ट्यूबलाइट हो, रेस 3 हो, दबंग 3 हो, वगैरह वगैरह। अब इस ईद पर आई है उनकी किसी का भाई किसी की जान। वैसे 2021 में उनकी फिल्म आई थी राधे, जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी। ये दूसरी बात है कि फिल्म OTT और चुनिंदा थिएटरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बहुत ही खराब फिल्म बनी थी। इसके अलावा फिल्म थी उनकी अंतिम। अंतिम में उनका एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस था और फिल्म का टोटल बिजनेस हुआ था लेस देन 40 करोड़। 2022 में उनकी 3 फिल्में देखने को मिली। तेलुगु फिल्म थी गॉडफादर, जिसमें चिरंजीवी थे। सलमान का मानना था कि अगर बॉलीवुड के एक्टर और तेलुगु स्टार मिल जाएं तो फिल्म का 3,000 करोड़ का बिजनेस होगा। इस फिल्म का हिंदी बिजनेस 10 करोड़ भी नहीं था। इसके अलावा मराठी फिल्म आई थी वेड, रितेश देशमुख के साथ, जिसमें उनका एक गाना था, और पठान शाहरुख खान के साथ, यकीनन हिट फिल्म थी, लेकिन जेन्युइनली कितनी हिट थी ये सभी जानते हैं। किसी का भाई किसी की जान पूरी तरह से सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने तमाम मसाले डाले हैं, एक्शन, कॉमेडी, गाने, पूरा साउथ का फ्लेवर, पंजाबी गाने, लेकिन फिल्म बहुत ही डिसअपॉइंट करती है। सलमान की एक्टिंग में कोई नयापन नजर नहीं आया। 90% फिल्म में सलमान लंबे लंबे बालों, दाढ़ी और मूंछों के साथ नजर आए हैं। बहुत ही गंदा गेटअप दिया है और रोमांस कर रहे हैं अपनी बेटी की उम्र की पूजा हेगड़े के साथ। कई सारे गाने ठूसे गए हैं, बेहुदा पिक्चराइजेशन किया गया है, गाने जरा भी अपीलिंग नहीं है। आपको फिल्म देखकर लगेगा कि आप किसी कबाड़ी की दुकान से बाहर आए हैं। सलमान का लास्ट का लुक अच्छा लगा, एक्शन में, सिक्स पैक में, क्लीन शेव। काश की पूरा लुक उनको थ्रोग वो दिया होता। उनके गानों में कोई आइकॉनिक स्टेप्स नहीं था और जो एक्शन थे रूटीन थे, उनमें कोई दम नहीं था कि लगे यार वाह क्या एक्शन सीन शूट किए गए हैं। फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े बहुत ही पनौती एक्टर हैं। 2016 में मोहन जदारो से आई थी, ऋतिक का कैरियर बर्बाद हो गया, फिर हाउसफुल में नजर आई, राधे श्याम में नजर आई प्रभास के साथ, और लास्ट फिल्म थी उनकी सर्कस। चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप थी और उसी श्रेणी में ये उनकी 5वीं फिल्म है किसी का भाई किसी की जान। बहुत ही छोटा सा रोल था, प्रभावित नहीं कर पाई, एक दो गानों में ठीक ठाक एक्टिंग की, अदरवाइज शी इज अ बिग फ्लॉप हीरोइन इम्पोर्टेड फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री टू बॉलीवुड। वैसे सलमान ने साउथ के 3 एक्टर लिए हैं। वेंकटेश का लंबा सा रोल है, जगपति बाबू हैं, और एक गाने में रामचरण को भी नचाया है लुंगी पहनाकर। लेकिन साउथ के 3 एक्टर होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाएगी, न साउथ में न पैन इंडिया। किसी का भाई किसी की जान एक सर्कस लगती है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 2500 एक्टर हैं, जैसे कि कुछ नाम है पलक तिवारी, मालविका शर्मा, सतीश कौशिक, सिद्धार्थ निगम, भूमिका चावला, राघव, इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह, अमित तिवारी, जस्सी गिल, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब का स्क्रीन प्रेजेंस मुश्किल से होगा 1 मिनट से 2 मिनट तक का, और ये कहते फिर रहे हैं कि किसी का भाई किसी जानो उनकी फिल्म है और लोग थिएटर में उनको देखने जरूर आए। डायरेक्शन, फरहाद सामजी बहुत ही पनौती डायरेक्टर हैं। अभी तक जितनी भी फिल्म डायरेक्ट की हैं सब फ्लॉप गई हैं। एंटरटेनमेंट हो, हाउसफुल 3-4 हो, लास्ट फिल्म उनकी बच्चन पांडे हो, बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्में थी बॉक्स ऑफिस पर। और तो और OTT पे फिल्म आई थी उनकी पॉपकॉर्न, वो भी लोगों ने नकार दी। पता नहीं क्या सोचकर उनको डायरेक्शन की कमान दी सलमान खान ने। वो हुबहू वीरम को भी कॉपी नहीं कर पाए। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ये स्टोरी आउटडेटेड है। 1970s की हीरोइन लगती है कि
भाई अपने बड़े भाई की शादी कराना चाहते हैं ताकि उनकी शादी हो। आउटडेटेड थॉट है। साउथ में फिल्म चल गई थोड़ी बहुत ठीक है, बॉलीवुड की ऑडियंस ऐसी फिल्में पसंद नहीं करती। स्क्रीन प्ले बहुत ही रूटीन है, टर्न ट्विस्ट नहीं है, फिल्म बांधे नहीं रखती और डायलॉग एकदम लचर है। एक भी क्लैप वर्दी डायलॉग नहीं है कि लोग बोले अरे वाह क्या डायलॉग है। म्यूजिक फिल्म में पांच म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन मजाल है कि पांचों ने मेहनत करके एक भी चार्ट बस्टर सॉन्ग दिया हो। बॉक्स ऑफिस फिल्म को बेहद खराब ओपनिंग मिली है। मात्र 25,000 टिकटें एडवांस में बुक हुई थी थर्सडे रात तक, और एक्चुअल कलेक्शन अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे का होना चाहिए 8 से 10 करोड़, लेकिन सलमान खान की पीआर टीम और उनकी मार्केटिंग टीम यकीनन 15 से 20 करोड़ का धंधा दिखाएगी फर्स्ट डे का, और सैटरडे संडे ईद और बासी ईद के कारण 75-100 करोड़ वो लोग बताएंगे। एक्चुअल कलेक्शन मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ होना चाहिए। वैसे पूरी कहानी शुरू हो गई थी ब्रह्मास्त्र से। सबको पता है कि कलेक्शन कितना जेन्युइन था। पहले लोग 1 करोड़ का बताते थे, 1 करोड़ 10 लाख, 1.25 करोड़ ज्यादा में ज्यादा। अब बताते हैं 1 का 10 करोड़ का बिजनेस होगा, एक्चुअल बताएंगे 50 करोड़। पूरी दुनिया जानती है कि पठान को कैसे कलेक्शन दिखाया गया 1100 करोड़, एक्चुअल बोलते हैं आधा भी नहीं है। इस बारे में किसी की तरफ से कोई सफाई नहीं है कि एक्चुअली कितना कलेक्शन किया फिल्म ने। सेम यही हाल होगा फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ। दर्शकों द्वारा डेफिनेटली रिजेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन अपने हीरो अपनी इमेज बचाने के लिए बढ़ाने के लिए बताएंगे बढ़ चढ़कर कलेक्शन। वैसे आज के हालात में फिल्म रीमेक क्यों बना रहे हैं? 4 फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई, शहजादा, सेल्फी, भोला और गुमराह, ये चारों साउथ की रीमेक थी, और लेटेस्ट एडिशन है इस कड़ी में किसी का भाई किसी की जान। जी स्टूडियो ने रिलीज की है, और जी स्टूडियो इतना पनौती है, जो भी फिल्म रिलीज करते हैं बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होती है बॉक्स ऑफिस पर, और किसी का भाई किसी की जान कोई एक्सेप्शन नहीं है। इतनी बड़ी फ्लॉप होगी कि जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस फिल्म को रिलीज करने से। मेरी फिल्म को रेटिंग है 0 और बॉक्स ऑफिस 1। मेरे ख्याल से लाइफ टाइम कलेक्शन फिल्म का होगा मैक्सिमम 75 करोड़, लेकिन जैसे कि आजकल चल रहा है मेकर्स कुछ भी कलेक्शन दिखाते हैं तो 150, 200, 300 करोड़ कलेक्शन भी सलमान खान के बैनर से आ जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा।